हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम एक ऐसे लिक्विड बनाना बताएंगे आपके पौधों के लिए जो वरदान साबित होगा। आप किसी भी प्रकार के फूल वाले पौधे में या फल वाले पौधे में आप इसको जो है लिक्विड को डालेंगे तो आपके पौधे के लिए यह वरदान साबित होगा। अमृत के समान है पौधे के लिए, जो कि एक बहुत ही ज़बरदस्त है। दोस्तों, ये इसमें हमने OWDC यानी ओरिजिनल वेस्ट डिकम्पोजर हम इसमें डालने हैं। 20 लीटर की बाल्टी है और ये 200 ग्राम इसमें जो है हमने गुड़ घोल दिया है। और देखिए, पानी का कलर जो है अब बिल्कुल ब्लैक है और इसको जैसे जैसे हम घोलेंगे और यह बहुत ही ज़बरदस्त काम करता है पौधों के लिए। किस प्रकार से पौधों के लिए काम करता है वह पूरी डिटेल से बात करेंगे और किस किस काम में इसका प्रयोग किया जा सकता है। वह बहुत ही ज़बरदस्त एक तरीके के वरदान है यह पौधों के लिए, मिट्टी के लिए। आपकी मिट्टी को भी एकदम बढ़िया कर देगा और इसको हम हर रोज़ जो है चलाएंगे, जिससे कि इसमें पानी डालने के बाद देखिए अब हमने जो है इसको चला दिया है। और अब ये देखिए दोस्तों, तीसरे दिन का अपडेट। तीसरे दिन में इसमें काफ़ी बदलाव आ चुका है। पानी जो है थोड़ा डार्क ब्लैक था, जो वो थोड़ा वाइट कलर में आ चुका है। ऊपर झाग बनने स्टार्ट हो चुके हैं। और यदि आप इसको जो अपने पौधों में जैसे 1 लीटर है पानी है तो उसमें जो है आप 50 से 60 ग्राम ही पानी, ml ही पानी डालें इसका वेस्ट डिकम्पोजर का। बहुत ज़्यादा लेंगे तो आपके पौधे को ख़राब भी कर देगा और आपके जड़ों के पौधे की जड़ों को फैलाएगा। आपके पौधे पौधा है जो वो उसकी जड़ें फैलेंगी तो जो उसके माइक्रो न्यूट्रेंट आसपास या न्यूट्रेंट आपके आसपास जमे हुए हैं पौधे के, तो उनको भी लेने में बढ़िया काम करेगा, पौधे ग्रोथ करेगा। और यदि आप किसी भी उसके पौधे के ऊपर इसका स्प्रे करते हैं तो इसी प्रकार से आप जो है 15 लीटर की टंकी में आपने 3 से 4 लीटर इसमें जो है उसमें डालें, जिससे कि आपका पौधा जो है स्प्रे करेंगे तो बहुत ही ज़बरदस्त काम करता है। समझो एक तरीके से माइक्रो न्यूट्रिएंट का भी काम करता है। आपके पौधों में कोई भी फंगस है या किसी भी प्रकार की बीमारी है, बीमारियों को नहीं आने देता। यदि जैसे इम्यूनिटी पावर आदमी की बढ़ती है, उसी तरीके से जो है पौधों में भी अपने आप को बीमारियों से लड़ने की क्षमता पैदा करता है। देखिए अब इसका रंग कितना चेंज हो चुका है। और यह जो है जिस तरीके से समुंदर में झाग बनते हैं, उसी प्रकार से तैयार होने के बाद यदि इसको घुमाओगे तो पूरी तरीके से झाग बन जाएंगे और ऊपर से इसका रंग जो है देखिए किस तरीके से वाइट हो चुका है। आपके पौधे की आसपास की मिट्टी को यह पूरी तरीके से भुरभुरा बना देगा यदि आप इसको जो अपने पौधे में यूज़ करते हैं। आपके पौधे में बहुत ही ज़बरदस्त बैलेंस बनाएगा। और दोस्तों, मैं आपको अभी दिखाता हूँ कि मैंने जो इसको जो है जहाँ पे प्रयोग किया था, कुछ पौधों में मैंने प्रयोग किया है इसको, मैं काफ़ी टाइम से प्रयोग कर रहा हूँ और उसका रिजल्ट क्या है। रिजल्ट इतना ज़बरदस्त है कि आप खुद सोचकर हैरान रह जाएंगे। और ये जो इस तरीके से आप घुमाते रहेंगे तो इसके बैक्टीरिया जो है वो मल्टीप्लाई होते रहेंगे और जिससे कि आपके इसकी ज़्यादा क्षमता बढ़ जाएगी। दोस्तों, अब मैं दिखाना चाहूँगा जो मैंने पहले प्रयोग किया था मैंने खाद में, तो उसको इसने कितना भुरभुरा कर दिया है। आप खुद देखिए कितना भुरभुरा कर दिया है और इसमें जो है पोषक तत्वों की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ा दी है इसने। और यह जो हमारी ताज़ा पशुओं की खाद होती है उसको ये आप इकट्ठा करके उसमें इसको डाल दें और आपका जो है इस प्रकार से यह फ़ायदा करेगा। आके आपका खाद बहुत जल्दी तैयार हो जाएगा। आपका खाद को जो है किसी भी पौधे में डालेंगे तो वह उसके लिए वरदान से कम नहीं होगा। दोस्तों, वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें और वीडियो देखने के लिए मैं आप सब लोगों का दिल से धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद।